आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप मर्डर के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और डॉक्टर से बातचीत नहीं होने पर ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने जनता से हाथ जोड़कर मांगी है माफी। माफी चाहती हूं कि डॉक्टर्स को ड्यूटी पर नहीं ला सकी, ये उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, मैं सत्ता की भूखी नहीं हूं। ये तमाम बयान ममता बनर्जी के हैं। विचार चाहे ना ओरा चाहे चेयर আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক। বাংলার মানুষের আবেগের কাছে আমি বলবো, আমি ক্ষমা চাইছি আপনাদের কাছে। আপনারাও আশায় ছিলেন আজকে সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে। इस बीच पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका मैं सीएम ममता के सामाजिक कार्यक्रम का बहिष्कार करूंगा, कोई भी सार्वजनिक मंच ममता बनर्जी के साथ साझा नहीं करूंगा। यह पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस का कहना है। घोषित कर दिया है उन्होंने कि वो मुख्यमंत्री के साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा नहीं करेंगे। जब तक बंगाल के लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए कार्यवाही नहीं हो जाती, जब तक लोगों को यकीन नहीं हो जाता है कि न्याय हुआ है, मैं राज्यपाल तौर पर इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए मैं संकल्प लेता हूं कि मैं मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्करण करूंगा। सामाजिक बहिष्करण, सोशल बॉयकॉट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। सामाजिक बहिष्करण का मतलब क्या है? मैं मुख्यमंत्री के साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा नहीं करूंगा। मैं किसी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हो। किसी गवर्नर के द्वारा ऐसी बात इससे पहले शायद ही आपने कभी सुनी हो। बहरहाल कोलकाता में डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी है। स्वास्थ्य भवन से उनके सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इनकी हड़ताल का आज 33वां दिन है। बड़ी खबर, डॉक्टर से बातचीत नहीं हो पाई कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। 33वां दिन उनकी हड़ताल का, उनके विरोध प्रदर्शन का। स्वास्थ्य भवन के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। बड़ी खबर, उनकी जो हड़ताल चल रही है आज, उसका 33वां दिन।